मेरा नारा जवानी से है, कॉलेज से है। 6 नवंबर 1968 को ये मैंने नारा लगाया था कि मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है और मैं दोस्तों के साथ दोस्ती कब्र की दीवार तक निभाता हूं और निभाऊंगा। और दोनों सीटें मैं खुद लड़ूंगा, राशिद शफीक से इसका कोई तल्लक नहीं। वो जाए, उसके वालद की तबीयत इंतहाई नाजुक है, उसके लिए भी दुआ करें और अपने हल्दी मिर्ज का कारोबार करें। ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये इलेक्शन हम पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे, दोनों सीटें हम पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे। अदलिया ने जितना इंसाफ का आलम बुलंद रखा है और जितना मैं ये बार बार कहते हुए, 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे, लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूँ। वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मनीर हमारी शहर की इज्जत हैं, अजीम सिप्पा सलार हैं और नदीम अंजम हमारी इज्जत हैं, आन है शान है, हमें उन पर फख्र है। हमने कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ, हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। लेकिन अगर हमारी गिरफ्तारी मतलूब हो, आपने हनीफ बेचारे को उठा लिया 30,000 रुपये का, आपने इमरान बारिकी को उठा लिया, आपने शाकर को उठा लिया, आपने कमर को उठा लिया, आपने बिलाल, ये बिलाल को उठा लिया, ये सारे बेचारे 30-30,000 रुपये के मुलाजम हैं। आप मुझे फ़ोन करें हाई कोर्ट से, मैं ये तीनों, ये 17 सितंबर से ले के 22 अक्टूबर तक सीपीओ साहब या मैं आपके पास था या चिल्ला काट रहा था। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया, उन्होंने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। तहज्जुद के वक़्त भी वो गर्म पानी देते थे, कौन सी ठंडी जगह थी, कौन सी वो जगह थी, ये अल्लाह को पता है या सीपीओ को पता है। अल्लाह की मदद से, अल्लाह से हमें मदद चाहिए। दोनों हलकों से कलम दवात इलेक्शन लड़ेगी पीडीएम के खिलाफ, और अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो जेल से भी, अगर मैं पकड़ा गया तो जेल के अंदर से भी दोनों हलकों से शेख रशीद कलम दवात पे इलेक्शन लड़ेगा। अदालत की बनाई है टिकट।